10 से 20 तक संख्याओं को गिनने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ। आज हम बच्चों को 10 से 20 संख्या गिनने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे और फिर उनसे एक मजेदार कार्य करवाएंगे। वो दो अलग रंग के कागज, 3 रंग बिरंगे रिबन और 8 रंग बिरंगे पेन लाया है। ये लो पिंकी। अरे छोटू, तुम तो सिर्फ 3 रिबन और 8 पेन लाए हो, ये तो बहुत कम है। तुमने लिस्ट ठीक से नहीं पढ़ी क्या? पर पिंकी, लिस्ट में तो यही लिखा था। नहीं छोटू, लिस्ट दिखाओ। ये लो पिंकी। बच्चों, आपको क्या लगता है पिंकी और छोटू में से कौन सही है? चलो देखें। देखो, इसमें सबसे पहले 2 कागज लिखे हैं जो तुम ठीक लाए हो। उसके नीचे बताओ इसमें क्या लिखा है? 1 और 2, मतलब 3 रंग बिरंगे रिबन। ओहो छोटू, तुमने तो 1 और 2 को जोड़ दिया। हम इस संख्या को ऐसे नहीं पढ़ते। यहाँ पर 1 का मतलब है 10 का एक बंडल, मतलब 10 रिबन, और 2 का मतलब है 2 रिबन और, तो कुल मिलाकर हो गए 12 रिबन। समझे? ओह अच्छा। ओहो, मैंने तो पेन की संख्या भी गलत पढ़ी। मैंने 1 और 7 को जोड़ दिया और इसलिए मैं 8 पेन लाया। तो अब क्या तुम पेन की सही संख्या बता सकते हो? हाँ, 1 मतलब 10 का एक बंडल और 7 का मतलब 7 पेन और, तो कुल हो गए 17 पेन। आज के मजेदार कार्य के लिए बच्चों को संख्या के अनुसार वस्तुओं के चित्र बनाने हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ मैंने संख्या 10 के लिए 10 आम बनाए हैं और मैं उनमें पीला रंग भरूंगी। आप भी बच्चों से उनकी मनपसंद वस्तु बनवाइए और उनमें रंग भरवाइए। अगली संख्या है 11, तो मैंने 11 फूल बनाए हैं और उनमें आकर्षक रंग भरा है। अगली संख्या कौन सी है? 12, तो मैंने 12 गेंद बनाए हैं। अब बच्चों को उनकी कॉपी में 10 से 20 संख्याओं के अनुसार वस्तुओं के चित्र बनाने के लिए कहिए और उनकी रंगीन और आकर्षक चित्रों की तस्वीर लेकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए।